भारत वियतनाम सऊदी अरब ग्लोबल इकॉनमी के बीच मंदी और महंगाई के बीच सात अजूबों से मिलिए। आर्थिक निराशा के माहौल में एक्सपर्ट्स भी ढूंढ ढूंढ कर कमियां खोज रहे हैं, किस देश की इकॉनमी में कहां दिक्कतें हैं सब उधेड़ कर सामने रख रहे हैं। इस दौर में भी भारत समेत कुछ ऐसे देश हैं जो उम्मीद की लौ जलाए हुए हैं। भारत वियतनाम इंडोनेशिया ग्रीस पुर्तगाल सऊदी अरब और जापान। ऑथर और ग्लोबल इन्वेस्टर रुचिर शर्मा ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अपने लेख में इन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के सात अजूबे बताए हैं। बाकी देश के मुकाबले इन सात देशों की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में है। ये देश कई सारी धारणाओं को धता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की सबसे तेजी से उभरती सात अर्थव्यवस्थाएं अजूबा क्यों है? भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और आगे भी रहेगी। तीन नियंताओं ने इतने सुधार कर दिए हैं कि चीन के कड़े नियमों से परेशान इन्वेस्टर्स भारत का रुख कर रहे हैं। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। डिजिटल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में नया निवेश रंग ला रहा है। बड़ा घरेलू बाजार भारत को वैश्विक मंदी से दूर रखे हुए है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच पश्चिमी देशों ने चीन प्लस वन की रणनीति अपनाई है। अक्सर वह वन कोई और नहीं वियतनाम होता है। इस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर में तगड़ा निवेश किया है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पावर के लिए जरूरी है। सड़कों से लेकर बंदरगाहों और पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोलकर वियतनाम ने आगे बढ़ने का रास्ता पकड़ लिया है। वियतनाम की अर्थव्यवस्था हर साल 7% की दर से बढ़ रही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडोनेशिया संसाधनों में धनी तो है ही, अब वह ग्लोबल कमोडिटी में आए प्राइस बूम से भी मुनाफा बटोर रहा है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी मटेरियल्स की डिमांड बढ़ रही है और इंडोनेशिया को इससे फायदा लेने की स्थिति में है। 275 मिलियन के घरेलू मार्केट के साथ इंडोनेशिया एक्सपोर्ट पर हद से ज्यादा निर्भर है। बाकी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले उसका कर्ज बेहद कम है। उसकी करेंसी गिनी चुनी मुद्राओं में से एक है जो डॉलर के आगे टिकी हुई है। नतीजा 5% की ग्रोथ और 5% से कम महंगाई।